देखिए, संसद, नए संसद भवन का उद्घाटन सही मायने में महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कर्णों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी ही संविधान प्रमुख हैं, वही राष्ट्राध्यक्ष हैं और दोनों सदनों की संरक्षक भी वही हैं। यहां तक कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसको केवल राष्ट्रपति जी ही संबोधित करती हैं, उनके अलावा ये किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए सर्वोच्च शिखर पर जो इसके लिए सही मायने में उद्घाटन का हकदार है वो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा न करके न केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि संविधान का भी अपमान किया है, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया है, देश की जनता का भी अपमान किया है। साथ ही साथ भाजपा अपनी जो झूठी पीठ थपथपाई थी कि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी समाज को सम्मान देने की नीयत से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, आज वही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के पद पर आसीन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा दलित विरोधी मानसिकता की है, पिछड़ी विरोधी मानसिकता की है। और यही कारण है कि एक आदिवासी समाज में पैदा होने वाली द्रौपदी मुर्मू जी जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं राष्ट्रपति जी के पद पर, उनसे उद्घाटन न करा करके स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हम समझते हैं ये उचित नहीं है। इसके साथ ही एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट करके जो कॉफिन होता है उसका कंपेयर किया गया है संसद अब चूंकि राष्ट्रीय जनता दल ने किया है तो इसका प्रतिक्रिया भी उनसे लेना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी भावना आपके सामने प्रस्तुत की है। किसी और पार्टी की कोई ट्वीट है या कोई और उनका संदेश है तो उस पर अच्छा होगा कि उनसे ही उसका वक्तव्य लिया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।